नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बेतिया की, जहां अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने 6 पदक जीतकर बढ़ाया देश का मान। आगे बात होगी जयपुर की, जहां व्यापार मंडल अध्यक्ष कमल असवानी के द्वारा करवाया जा रहा है अवैध निर्माण। साथ ही आगे चर्चा होगी शिवपुरी की, जहां चंदू पहाड़ी गांव में घर के बाड़े में रखा पानी पीने से 20 बकरियों की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए, करते हैं विस्तार से चर्चा। 16 मई से 21 मई तक काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में चल रहे 10वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2024 में भारतीय खिलाड़ियों ने 6 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। साथ ही भारतीय टीम के कोच रिहान राहुल श्रीवास्तव को नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल नेपाल के सचिव टांका लाल घिंसिंग के द्वारा बेस्ट कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 15 से 21 मई तक चल रहे काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में 10वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में अपना 10 सदस्यीय भारतीय टीम भाग लिए थे, जिसमें कि 9 खिलाड़ी भाग लिए थे, जिसमें कि 4 बालिका व 5 बालक भाग लिए थे। इन सभी खिलाड़ियों ने अपनी बेहतरीन प्रदर्शन के दम पे भारत को इन 4 खिलाड़ियों ने सिर्फ 6 पदक दिलाया है, जिसमें कि नितेश कुमार जो कि काता में स्वर्ण पदक व कुबिते में कांस्य पदक भारत को दिलाकर गौरवान्वित किया है, नीरज कुमार काता में रजत पदक व कुबिते में कांस्य पदक दिलाया भारत को, आदित्य कुमार ठाकुर इन्होंने भारत को कांस्य पदक कुबिते फाइट में दिलाया है, और बालिका वर्ग में इशिका मेहता इन्होंने की कुमित्ते फाइट में भारत को रजत पदक दिलाया। यह कुल 4 खिलाड़ियों ने 6-6 पदक भारत को दिलाया है। इससे पहले भी 8वीं माउंट एवरेस्ट में भारतीय टीम भाग ली थी और उसमें भारत को सिर्फ 1 रजत और वह 1 कांस्य पदक मिला था। इस बार इन लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर जयपुर से है, जहां इंदिरा बाजार में रात्रि में दुकानों के अंदर व्यापार मंडल अध्यक्ष कमल असवानी के द्वारा अवैध निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं जब व्यापार मंडल अध्यक्ष कमल असवानी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमें निगम से परमिशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा भाई जितेंद्र लखियानी पार्षद है। बता दें कि इंदिरा बाजार में व्यापार मंडल अध्यक्ष कमल असवानी के नेतृत्व में लगातार दुकानों के ऊपर व दुकानों के अंदर बिना नगर निगम की स्वीकृति से अवैध निर्माण करवाया जा रहा है। कमल असवानी की मिली भगत से अब तक 50 से 60 दुकानों के ऊपर सरकारी संपत्ति पर अवैध निर्माण करवाया जा चुका है। निगम द्वारा नोटिस भी दिया जा चुका है, उसके बाद भी नगर निगम किशनपोल जोन उपायुक्त पूजा मीना द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जयपुर से सीनियर संवाददाता विजय भवानी की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड में 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान में सुदूरवर्ती क्षेत्र के मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। बूथों पर मतदान करने के लिए मतदाताओं की लंबी कतारें लगी रहीं। विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदान को लेकर उत्साह बरकरार रहा। मतदाताओं का कहना है कि लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसमें सभी को बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करना चाहिए ताकि कोई भी इस चुनाव से वंचित ना रह सके। साथ ही नए वोटरों में भी खासा उत्साह देखने को मिला, जिन्होंने वोट देकर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि वे विकास को लेकर मतदान कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर वृद्ध एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था भी की गई है। मतदान करने वालों में 24,397 पुरुष एवं 24,984 महिलाएं रहीं, जहाँ कुल मतदान प्रतिशत 62.44 रहा। नीलांबर पीताम्बरपुर से सीनियर संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। स्वार तहसील के ग्राम शिकारपुर के निवासी मिश्री लाल सैनी दिव्यांग होते हुए कर रहे समाज सेवा। मिश्री लाल सैनी निवासी ग्राम शिकारपुर दोनों पैरों से दिव्यांग हैं और वह दिव्यांग होते हुए भी समाज की सेवा करने में लगे हैं। वह निःशुल्क 60 साल पेंशन व विधवा पेंशन और रुकी हुई पेंशनों को दिलवाने का कार्य कर रहे हैं। मिश्री लाल सैनी ने बताया कि अब तक हम 50 से ज़्यादा रुकी हुई पेंशनों को दिलवा चुके हैं। मिश्री लाल सैनी ने मीडिया से वार्ता करते हुए और क्या कुछ बताया, आइए सुनवाते हैं। रामपुर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद तालिब रजा की रिपोर्ट।
जिले के पिछोड़ थाना क्षेत्र के चंदू पहाड़ी गांव में घर के बाड़ी में रखे पानी पीने से 20 बकरियों की मौत हो गई। करीब 40 बकरियों की हालत नाजुक बनी है। पीड़ित ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पिछोड़ थाना सहित पिछोड़ SDM को दर्ज कराई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सक ने बकरियों को बचाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। साथ ही एक मृतक बकरी को पोस्टमार्टम के लिए खनिया थाना ले जाया गया है। इसके साथ ही बकरियों की मौत का असल कारण सामने आ चुका है। चंदू पहाड़ी गांव के रहने वाले 55 वर्षीय रोशन पाल के दामाद अजब सिंह पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके ससुर के पास करीब 60 बकरियां हैं। रविवार की शाम बकरियां गांव में चरने के बाद वापस घर में बने अपने बाड़े में लौटा कर लाई गई थी। इसके बाद बकरियों ने बाड़े में अपना पानी रखा पिया। पानी पीने के बाद एक बकरियों की मौत होना शुरू हो चुकी थी। सुबह तक करीब 20 बकरियों की मौत हो गई। 40 बकरियों की हालत नाजुक बनी हुई है। नाम है भैया नरेश पाल। अच्छा, कहाँ से आए हो? चंदू पहाड़ी से। पिछोड़ थाना आए हो, क्या कुछ समस्या है? सब किसी ने बकरी को जहर डाल दिया है। कहाँ पर? बकरी में हमारी। अच्छा अच्छा, कितनी बकरी थी? बकरी तो लगभग 60 थी। हाँ। उनको जहर मर चुकी है 30 नंग, 20 नंग मर चुके हैं, 10 नंग घायल। आप लोग कहाँ पर थे? हम लोग दूसरी बकरी में। तो आपको कैसे सूचना मिली? हम निकाल के ले गए, सब दूसरे लौट के आए, उनने पानी पिया और ख़त्म हो गया। ये कब की घटना है? ये कल 4 बजे की। कीमत 6-7 हज़ार रुपये है। तो थाना आए थे, पुलिस हमारी मदद करे। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।